गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैक्सिमा मिनिमा यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे। आज से पहले आप तीन टॉपिक पढ़ चुके हैं दो लेक्चर में। पहला ग्राफ के अकॉर्डिंग मैक्सिमा मिनिमा यूजिंग ग्राफ मींस ग्राफिकल अप्रोच लेक्चर वन में। लेक्चर टू में आप पढ़े मैक्सिमा मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तब लगाएंगे जब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल कर जाएगा। कब फेल करेगा आज मैं सिखाऊंगी। या आईआईटी एनडीए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। सेकेंड लेक्चर में ही एक टॉपिक आप और पढ़े एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, मतलब मैक्सिमा मिनिमा इन क्लोज्ड इंटरवल। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस वन। अगर यहां क्लोज्ड होता तो मैं एब्सोल्यूट समझती, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट समझाने के लिए मैंने वर्किंग स्टेप्स लिखे हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के क्रम में मैं आपको वो स्टेप्स सिखा दूंगी। पहला स्टेप है हमारा फाइंड एफ डैश एक्स, मैं इसे एफ एक्स मान लेती हूं। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस दिस वन, एक बार डिफ्रेंशिएट कर ली, थ्री एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस वन फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, जिसे बोलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम लोग एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे। पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो टू गेट क्रिटिकल पॉइंट्स। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन जीरो, थ्री एक्स स्क्वायर फैक्टराइजेशन कर रही हूं, ये आ गया फोर एक्स, इन दोनों में मैं थ्री एक्स कॉमन ले ली और इन दोनों में माइनस वन, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो, इसका मतलब आइदर ये जीरो और ये जीरो, यहां से एक्स आ गया वन बाई थ्री और ये आ गया वन। हो गया यहां तक। अब है एफ डबल डैश एक्स निकालना। नाउ एफ डबल डैश एक्स, थ्री कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, टू टू जा फोर, एक्स का डेरिवेटिव वन और इसका जीरो। अब है इवेलुएट कर ले जितने क्रिटिकल पॉइंट मिले, मुझे दो दो क्रिटिकल पॉइंट मिला है, इसे इवेलुएट करना है। थ्री टू जा सिक्स, एक्स के जगह वन बाई थ्री, टू माइनस फोर माइनस टू आ गया लेस देन जीरो, यानी अगर लेस देन जीरो आया तो यह पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है, मतलब एट एक्स इक्वल टू वन बाई थ्री लोकल मैक्सिमा अकर। अगर मैक्सिमा अकर कर गया तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगा। मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ एक्स वन, यानी इस क्वेश्चन में एक्स के जगह वन बाई थ्री डाल देना है। निकाल लेती हूं। वन बाई थ्री का क्यूब, वन बाई थ्री का स्क्वायर, वन बाई थ्री प्लस सिक्स, एक बटा सत्ताईस, टू बाई नाइन,
18 प्लस एक 19 बाई 3 3 9 27 का एलसीएम 9 3 जा 3 9 जा 166 बाई 27 आंसर। अभी तो एक पार्ट हुआ, अभी सिर्फ ये पार्ट हुआ अपना, ये पार्ट बचा हुआ है। इसी डबल डेरिवेटिव में एफ डबल डैश एक्स वन निकाली, अब एक्स टू निकालूंगी। नाउ एफ डबल डैश वन, डबल डेरिवेटिव था 3 2 जा 6 एक्स के जगह 1 माइनस 4। ये 2 ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब एट एक्स इक्वल टू 1 लोकल मिनिमा अकर, इसलिए मिनिमम वैल्यू अगर 0 से बड़ा आए, 0 से बड़ा आए, पॉजिटिव आए, तो मिनिमा का पॉइंट होगा और मिनिमम वैल्यू के लिए फंक्शन में x2 डाल देंगे, इस फंक्शन में x के जगह 1 डाल देंगे। 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 1 2 माइनस 2 6 हो गया हमारा करेक्ट आंसर। यहां पर दो बातें हुई, पहला हमारा क्वेश्चन भी बन गया और दूसरा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का आप कॉन्सेप्ट भी सीख गए। कैसे वो देखते हैं, समझाती हूं मैं कैसे क्या था। अब पूरा पूरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। लिखा नहीं रहता है कि कब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव से करना है, कब आपको सेकेंड डेरिवेटिव से करना है, ऐसा लिखा हुआ नहीं रहता है। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे फंक्शन को डिफरेंशिएट करके। इसे बहुत अच्छे से सीखना है क्योंकि आज से 4 लेक्चर इंक्लूडिंग टुडे, क्योंकि 3 लेक्चर में वर्ड प्रॉब्लम पर दूंगी, 4 लेक्चर तक हर क्वेश्चन में मैं यही स्टेप्स करूंगी। अगर आप सीख जाएंगे तो वो सारे स्टेप्स इंजॉय करेंगे। एफ डैश एक्स निकालने के बाद उसे 0 से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट को 3 चीजें कहते हैं, पहला फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, फॉर क्रिटिकल पॉइंट। एफ डैश एक्स को 0 कर देंगे, यहां से एक्स की जो वैल्यू आएगी वो होगी एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री। एक्स की वैल्यू आएगी एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री। अब डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे एफ डबल डैश एक्स। डबल डेरिवेटिव में एक्स की ये तीनों जितने क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे बारी बारी से पुट कर दूंगी और ऑब्जर्व करूंगी ये वैल्यू नेगेटिव आई, पॉजिटिव आई या 0 आई। अगर नेगेटिव आया, इसमें उल्टा चलता है, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा आकर और मैक्सिमम वैल्यू के लिए फंक्शन में ये क्रिटिकल पॉइंट डाल देंगे। अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा आकर और यही पॉइंट फंक्शन में डाल दूंगी तो मिनिमा अकर करेगा। लेकिन अगर 0 आ गया, अगर 0 आ गया तो ये टेस्ट फेल कर जाएगा और हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास जाना होगा। क्लियर हो गया। अगर डबल डेरिवेटिव 0 आ गया तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल कर जाएगा और हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही ये क्वेश्चन बनाने होंगे। अब मैं ये स्टेप्स मिटा दूंगी लेकिन सारे क्वेश्चन में यही काम करने हैं। एक बार आप देख लीजिए और समझ लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन थीटा इनटू दिस वन हैज अ मैक्सिमम वैल्यू एट
दिस वन, ये स्टेट लेवल यानी स्टेट बोर्ड में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है यानी ना मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना मिनिमम वैल्यू, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और मुझे लगता है हमें भी 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। कैसे? मैंने मान लिया एफ थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इनटू दिस वन, मैंने डैश कर दिया पहला स्टेप, प्रोडक्ट रूल, पहला कॉपी, दूसरा डिफरेंशिएट, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, प्लस भी कॉपी और यू का डिफरेंशिएशन कॉस, माइनस साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर। क्यों ना मैं इसे भी कॉस में ही बदल दूं ताकि क्रिटिकल पॉइंट निकालने में हमें सुविधा हो। प्लस और प्लस 2 cos² थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, ये हो गया f डैश थीटा। अब लिखेंगे फॉर, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग यूज करूंगी, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए f डैश थीटा 0, मैं इसे 0 कर दूंगी, 2 cos² थीटा cos थीटा मिडिल टर्म स्प्लिट कर दूंगी, इस cos थीटा को बोल सकते हैं 2 cos - cos, इन दोनों में मैंने 2 cos कॉमन ले लिया, बच गया cos + 1, इन दोनों में -1 कॉमन ले लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इसका मतलब आइदर दिस वन 0 और दिस वन 0, यहां से आ गया cos थीटा हाफ और यहां से आ गया cos थीटा -1, क्योंकि कोई लिमिट नहीं दिया है 0 से 2 पाई माइनस पाई से पाई, इसलिए मैं सिर्फ एक साइकिल में कंसिडर करूंगी। सबसे पहले यहां से थीटा आ गया 60, क्यों आया? क्योंकि कॉस 60 डिग्री ही हाफ होता है। कॉस थीटा -1 आया, क्यों आया? क्योंकि थीटा की वैल्यू पाई होती है। 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गया, अब हम लोग डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। एफ डबल डैश थीटा टू कॉन्स्टेंट x² का 2x कॉस का माइनस साइन, इस कॉस का माइनस साइन और 1 का 0, बारी बारी से पुट कर दूंगी, 2 2 जा 4 -4 cos π/3 sin π/3 -sin π/3 cos 60 half sin 60 और ये sin 60, इधर भी नेगेटिव, हमारा आ गया नेगेटिव, यानी एट थीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री एफ थीटा इज मैक्सिमम। प्रूफ दैट दिस हैज मैक्सिमम एट दिस वन, मेरा प्रूफ हो चुका। लेकिन आप देखे हैं कि मैंने अभी सेकेंड पार्ट को यूज ही नहीं किया है, इस क्रिटिकल पॉइंट का अभी कोई उपयोग नहीं किया, इसलिए मैं सेकेंड पॉइंट रखने जा रही हूं पाई। एफ डबल डैश थीटा में -4 cos π
साइन पाई माइनस साइन पाई, कॉस पाई माइनस वन, साइन पाई जीरो, ये साइन पाई जीरो, ये जीरो आ गया, डबल डेरिवेटिव जीरो आ गया, मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, या कह लें कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल कर गया, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास ही जाना था। ये जीरो आ गया यानी रिजेक्ट हो गया। अब लास्ट फाइनल टच दे रही हूं, हिंस दिस वन, हिंस इफ थीटा इक्वल टू दिस वन हैज अ मैक्सिमम वैल्यू एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई थ्री, हमारा प्रूव हो चुका। आप एक बार क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रूव दैट दिस वन हैज अ मैक्सिमम वैल्यू। जैसे ही मैक्सिमम बोले हमें सोच लेना है डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, तो क्या यहां डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया? एक बात मैं 50 बार पढ़ाऊंगी, डबल डेरिवेटिव, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मैक्सिमा आकर, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मिनिमा आकर। उम्मीद करती हूं आप बच्चे ये क्वेश्चन सीख चुके होंगे। ट्रिगो रिलेटेड एक बेहतरीन क्वेश्चन, फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। पहला तो ये क्लियर खुद लिख दिया है, और अगर नहीं भी लिखता तो क्योंकि यहां ओपन इंटरवल है इसलिए ऑलरेडी अंडरस्टूड था कि इस क्वेश्चन में लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा की ही बात की जा रही है। पहला तो पॉइंट पूछा है, दूसरा ऑल्सो फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। केवल लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ही नहीं पूछा है, साथ ही साथ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज भी पूछा है। इसमें यहां पर दो दो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी और एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए छोड़ दे रही हूं। होमवर्क वन, पहले मैं ये पढ़ा देती हूं, इसके बाद आप ये करेंगे। मैं पहला क्यों करवा रही हूं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन ज्यादा आसान है, ये केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जीरो से पाई बाई टू लेना आसान बनता है रेदर देन चारों क्वाड्रेंट जीरो से टू पाई, चारों क्वाड्रेंट ए एस टी सी रूल, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट जीरो पाई बाई टू पाई थ्री पाई बाई टू एंड टू पाई। मैं स्टार्ट करती हूं, एच एक्स है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इस क्वेश्चन में अगर पहला कराऊं तो बहुत आसान, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वहीं दूसरा मैं इसलिए करवा रही हूं ताकि पूरा ट्रिगो की नॉलेज आपको सिखा सकूं। एच डैश एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस, इस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट एच डैश एक्स इक्वल टू जीरो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू जीरो, साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, ये कॉस इधर आ गया, टेन एक्स इक्वल टू माइनस वन। अब टेन नेगेटिव कहां कहां होता है,
टेन और पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, यानी इन दोनों में निगेटिव होता है। यहां से मुझे अंदाजा मिल रहा है थीटा पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, टू पाई माइनस थीटा। इसका मतलब ये टेन नेगेटिव होता है इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में। मैं लिखने जा रही हूं एक्स की वैल्यू पाई माइनस थीटा, टू पाई माइनस थीटा। एड शुगर टू कॉफी, एएसटीसी रूल। टेन इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें टेन एंड कॉट पॉजिटिव। इन दोनों क्वाड्रेंट में थीटा वो होगा जो वन देगा, प्लस वन, यानी कि पाई बाई फोर। एक्स की दो वैल्यू पाई माइनस पाई बाई फोर, यानी टू पाई माइनस पाई बाई फोर। इसका साफ साफ मतलब हो गया कि दो दो क्रिटिकल पॉइंट आ चुके हैं। कौन कौन सा? पहला क्रिटिकल पॉइंट मैंने ले लिया x की वैल्यू 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट हैं। मैं आगे प्रोसीजर तब करूंगी जब ये चार वैल्यू मालूम हो जाए। कौन कौन सी चार वैल्यू देखते हैं। इसका साइन, साइन 3 पाई बाई 4, कॉस 3 पाई बाई 4, साइन 7 पाई बाई 4 और कॉस 7 पाई बाई 4। पहले समझ लेना है इसकी वैल्यू 3 पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। 7 पाई बाई 4 यहां से आया, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब ये चारों ही वैल्यू पाई बाई 4 की ही तो होगी, पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 और कॉस पाई बाई 4। इस क्वेश्चन में मोस्ट टिपिकल पार्ट मैंने करवा दिया। अगर आप बच्चे को इन सब पार्ट में दिक्कत है तो आप हमारा क्लास 11th वाला लेक्चर ट्रिगोनोमेट्री का अटेंड करिए। आप कमेंट करिए कि यस मैम, ट्रिगो रिलेटेड इन सब में हमें प्रॉब्लम है। मैं आपके लिए जब क्लास 11th का ट्रिगो कराऊंगी एक स्पेशल लेक्चर करवा दूंगी। अब एच डैश एक्स के बाद एच डबल डैश एक्स की बात कर लेती हूं। डबल डेरिवेटिव है कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस। बारी बारी से डालूंगी, एक बार 3 पाई बाई 4, माइनस साइन 3 पाई बाई 4 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4। वैल्यू पता है हमें, 1 बाई रूट टू माइनस 2 बाई रूट टू माइनस रूट टू। क्या सिखाई थी? डबल डेरिवेटिव नेगेटिव तो मैक्सिमा कर, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव तो मिनिमा कर। यहां नेगेटिव आ गया, इसका मतलब एट एक्स इक्वल टू 3 पाई बाई 4 लोकल मैक्सिमा अकर, साथ ही साथ मैक्सिमम वैल्यू भी f ऑफ 3 पाई बाई 4। फंक्शन के पास जाएंगे, साइन 3 पाई बाई 4 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4। साइन 3 पाई बाई 4 वन बाई रूट टू माइनस 1 बाई रूट टू, टू रूट टू यानी 2 अपॉन रूट टू। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर आ चुका रूट टू। अब बात कर लेती हूं
सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट की, एच डबल डैश 7π/4, ये रहा डबल डेरिवेटिव, माइनस साइन 7π/4 कॉस 7π/4, ये माइनस 1/√2 +1 और +1 2/√2, इसका मतलब √2। ये √2 आ गया, पॉजिटिव आ गया, इट मीन्स एट एक्स इक्वल टू 7π/4 डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो मैक्सिमा आकर, पॉजिटिव आए तो मिनिमा आकर, लोकल मिनिमा आकर। एंड मिनिमम वैल्यू की बात कर लें, मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ 7π/4, एफ ऑफ 7π/4 का मतलब हो गया, सॉरी एच की बात चल रही है, एफ नहीं, साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4, वैल्यू है हमारे पास साइन 7π/4 -1/√2 -2/√2, यानी अब कंप्लीट क्वेश्चन समझना है आपको क्या होगा, क्या क्या पूछा गया था और क्या क्या यहां होगा। तो यहां कह रहा था कि लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना था सेकेंड का, मैंने डैश किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाल दी, डबल डेरिवेटिव किया, पहले क्रिटिकल पॉइंट पर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा आकर, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी, सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट पर पॉजिटिव आया तो मिनिमा आकर, उसके बाद मैंने मिनिमम वैल्यू निकाल दी। अब बात कर लेती हूं इस फर्स्ट का, फर्स्ट का आंसर लिख देती हूं मैं, मैक्सिमम वैल्यू √2 आएगा और एट π/4। आप बनाकर देखिए और कमेंट करिएगा, मैम होमवर्क 1 आंसर मैच्ड, अगर आपका ये आंसर मैच कर रहा है तो आप कमेंट करेंगे मैम होमवर्क 1 आंसर मैच्ड, अगर नहीं मैच करेगा तो भी कमेंट करेंगे कि मैम नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को जरूर करवा दीजिए। अगर नेक्स्ट लेक्चर तक वेट नहीं करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप करके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस सभी यूट्यूब वाले स्टूडेंट का एक ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप खुद को उस ग्रुप में जोड़ सकते हैं जहां आप डाउट भी पूछ सकते हैं, रोज का क्लास नोट्स भेज सकते हैं, होमवर्क भेज सकते हैं। एक और रास्ता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का हैंड रिटन सॉल्यूशन मेरी हैंड राइटिंग में हमारे शेपिंग फ्यूचर ऐप पर अवेलेबल है, जहां मैं लगातार ऑनलाइन टेस्ट लेती हूं, अगर आप बच्चे भी ऑनलाइन टेस्ट में खुद को इनरोल करना चाहते हैं तो कमेंट करिए कि मैम ऑनलाइन टेस्ट वाले बैच में हमें डाल दीजिए। शेपिंग फ्यूचर ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी दिया है, आप देख सकते हैं। अब आप इसकी थ्योरी बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव, कुछ ऑब्जेक्टिव करवा देती हूं। अब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज को लेकर आई हूं, इट मींस मैं आपको सिखाऊंगी कि वही सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से जल्दी बनाकर ऑब्जेक्टिव कैसे टिक आउट करेंगे। पहला क्वेश्चन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब होगी तो एक्स कितना, कहने का मतलब एक्स के किस वैल्यू पर मैक्सिमा आकर करेगा,
तो समझ लेते हैं। मैंने मान लिया एफ एक्स रूट थ्री साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ डैश एक्स साइन का डेरिवेटिव कॉस एंड कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, रूट थ्री कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो, रूट थ्री कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये रूट थ्री कॉस इस तरफ चला गया, साइन अपॉन कॉस टेन एक्स, टेन एक्स की वैल्यू रूट थ्री मतलब एक्स पाई बाई थ्री। सिर्फ इतना आते ही ऑप्शन सी टिक कर सकते हैं, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट ही आया, एक ही आया तो पक्का मैक्सिमम ही आएगा, इट मींस डबल डेरिवेटिव नेगेटिव ही आएगा। फिर भी आंसर तो टिक हो गया, अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए मैं डबल डेरिवेटिव निकाल के दिखाती हूं। डबल डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, पाई बाई थ्री पुट कर दूंगी, कॉस पाई बाई थ्री माइनस साइन पाई बाई थ्री, कॉस सिक्सटी यानी रूट थ्री बाई टू माइनस साइन सिक्सटी रूट थ्री बाई टू जीरो आ गया। इट मींस यहां सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल कर गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से देना था। एक बार मैं चेक भी कर लेती हूं मैंने गलत किया, हां मैंने गलत किया इसलिए ये प्रॉब्लम आया, दोबारा करती हूं। रूट थ्री कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और इस साइन का डेरिवेटिव कॉस, पाई बाई थ्री पुट कर लेती हूं, साइन पाई बाई थ्री माइनस कॉस पाई बाई थ्री, साइन पाई बाई थ्री साइन सिक्सटी मतलब रूट थ्री बाई टू, कॉस सिक्सटी का मतलब हाफ, नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव आ गया। उस समय मैं बाय मिस्टेक इसको डिफ्रेंशिएट की थी, यानी यही कॉपी हो गया था, डबल डेरिवेटिव गलत लिखी थी। नेगेटिव आ गया यानी मैक्सिमा अकर करेगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। दस क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, इट मींस इंपॉर्टेंट है। मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है यानी क्रिटिकल पॉइंट नहीं पूछा है। एफ एक्स की वैल्यू लॉग एक्स अपॉन एक्स, एफ डैश एक्स यू अपॉन भी रूल, भी कॉपी यू डिफरेंशिएट माइनस यू कॉपी भी डिफरेंशिएट बाई भी स्क्वायर। आ गया हमारा एफ डैश एक्स ऐसा। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जीरो, वन माइनस लॉग एक्स जीरो, वन इक्वल टू लॉग एक्स, वन को कह सकते हैं लॉग ई। मैं आप बच्चों को लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, कहां डिफरेंशिएशन के लेक्चर फाइव में, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जहां लेक्चर के शुरुआत में सबसे पहले ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग सिखाई थी। एक्स की वैल्यू ई आ गई, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। जल्दी से सी ऑप्शन नहीं टिक करना है, इसमें नहीं पूछा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा, वैल्यू पूछी है। तो पहले तो डबल डेरिवेटिव निकाल कर चेक कर लेते हैं कि क्या आएगा। मैं यहां डबल डेरिवेटिव निकाल कर दिखाती हूं। यू बाई भी, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ
दिस वन भी कॉपी वन का जीरो लॉग एक्स का वन बाई एक्स एक्स स्क्वायर का टू एक्स इसका होल स्क्वायर पुट कर देती हूं एक्स के जगह ई माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई लॉग ई वन वन माइनस वन ये पार्ट जीरो माइनस वन अपॉन ई क्यूब नेगेटिव आ गया डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया इसका मतलब एट एक्स इक्वल टू ई लोकल मैक्सिमा अकर। अब पूछा है मैक्सिमम वैल्यू बताएं तो मैं लिख सकती हूं इसलिए मैक्सिमम वैल्यू होगा एक्स के जगह ई डाल दो एक्स के जगह ई डाल देंगे मतलब लॉग ई अपॉन ई लॉग ई लॉग ई की वैल्यू वन होगी लॉग ई की वैल्यू वन होगी और ये एक्स के जगह ई होगा वन अपॉन ई डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। कुछ बच्चे जल्दबाजी में इस क्वेश्चन में तो क्रिटिकल पॉइंट पूछा था इस क्वेश्चन में जो क्रिटिकल पॉइंट आया वो जानबूझकर ऑप्शन में दिया हुआ है कुछ बच्चे जल्दबाजी में सी टिक कर देंगे और गलत हो जाएगा इसलिए धीरे धीरे आप देख रहे हैं हम सेकेंड डेरिवेटिव का ही सारा स्टेप्स यूज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में भी मैंने आपको सब्जेक्टिव सिखाया अभी ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करवा रही हूं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड स्टार मार्क्ड है स्टार मार्क्ड का मतलब थोड़ा सा टिपिकल भी है समझते हैं इस क्वेश्चन को। मैं मान लेती हूं लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस वन मैंने मान लिया इसे। अब जब डैश निकालने की बारी आएगी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है मींस मुझे लॉग लेना होगा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स केवल क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें दोनों तरफ लॉग लेना होगा। मैंने ले लिया एफ पहले दोनों तरफ लॉग ले लेती हूं लॉग एफ एक्स लॉग वन बाई एक्स का टू एक्स स्क्वायर लॉग एम टू दी पावर एन होगा एन लॉग एम एक और बात सिखा देती हूं लॉग एम बाई एन होगा लॉग एम माइनस लॉग एम लॉग वन जीरो यानी माइनस लॉग एक्स। अगर तुम ये बात नहीं समझे तो मैं यहां अलग से सिखाती हूं लॉग वन बाई एक्स को लिखना है लॉग एम बाई एन लॉग एम माइनस लॉग एम लॉग वन जीरो होता है इसका मतलब इसे हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं लॉग वन बाई एक्स को माइनस लिख दी। अब ये आ गया लॉग एफ एक्स मैं डिफरेंशिएट करूंगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लॉग एक्स का होगा वन अपॉन एक्स और एफ एक्स का होगा एफ डैश एक्स। अब यहां माइनस टू कॉन्स्टेंट इन दोनों में प्रोडक्ट रूल पहला कॉपी दूसरा डिफरेंशिएट प्लस दूसरा कॉपी पहला डिफरेंशिएट। मैं कुछ कॉमन निकालना चाहती हूं मैं यहां कॉमन निकाल लेती हूं माइनस टू एफ एक्स एक्स कॉमन निकाल लूंगी आ गया वन प्लस एक्स कॉमन निकाल ली बच गया वन और टू लॉग एक्स। अब मैं लिख सकती हूं फॉर क्रिटिकल पॉइंट फॉर मैक्सिमा और मिनिमा मैक्सिमा और मिनिमा के लिए पुट
if dash x equal to 0 minus 2 f x into x 1 plus 2 log x equal to 0। ये दोनों कभी नेवर भी जीरो। रीजन बता देती हूं, एफ एक्स ये लॉग है, एफ एक्स की वैल्यू ये कभी जीरो नहीं होगी और यहां एक्स भी जीरो नहीं होगा क्योंकि अदरवाइज ये क्वेश्चन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए एक ही रास्ता बचता है, इतना इक्वल टू जीरो। धीरे धीरे 2 log x की वैल्यू माइनस 1, log x की वैल्यू माइनस 1 बाई 2, log जब दूसरी तरफ जाएगा तो एक्सपोनेंट x की वैल्यू 1 अपॉन e की पावर हाफ यानी x की वैल्यू 1 अपॉन रूट e। हमारा क्रिटिकल पॉइंट तो आ गया। अब मैं डबल डेरिवेटिव निकालने जा रही हूं। डबल डेरिवेटिव हमारा एफ डबल डैश एक्स कहां से, यहां से एफ डबल डैश एक्स निकलेगा। वैसे एक बात बता देती हूं, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया तो डबल डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है। डबल डेरिवेटिव तो कंफर्मेशन टेस्ट है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो मैक्सिमम पूछा है तो इस पर मैक्सिमा ही अकर करेगा। अगर मिनिमा पूछता तो मिनिमा ही अकर करेगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा, इसलिए मैं डायरेक्ट निकालती हूं। इसलिए मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 अपॉन रूट ई। देखना है बहुत अच्छे से, मैं यहां क्या करूंगी, 1 अपॉन x के जगह 1 बाय रूट ई, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर ली मैं, रूट ई का स्क्वायर कर ली। अब ये ऊपर चला गया, रूट ई स्क्वायर इंटू दिस वन, ये रूट का स्क्वायर आ गया ई टू दी पावर 1 अपॉन ई, होल टू दी पावर 1 अपॉन ई हमारे सी ऑप्शन में करेक्ट हो गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बच्चे डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने करवाया सिर्फ डिफ्रेंशिएशन की वजह से। अगर डिफ्रेंशिएशन आता है तो क्रिटिकल पॉइंट थोड़ा टिपिकल था। अगर आप क्रिटिकल पॉइंट भी निकालने में कैपेबल हो गए तो सिंपली मैक्सिमम वैल्यू इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब मैं थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लेती हूं, एक सिंपल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। मिनिमम वैल्यू पूछा है, मींस हमें पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आना होगा। मैं ले लेती हूं, लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस वन, एफ डैश एक्स कर लिया, यू अपॉन भी, भी कॉपी, यू डिफरेंशिएट माइनस यू कॉपी, भी डिफरेंशिएट डिवाइडेड बाय भी का स्क्वायर। अब मुझे पहले सिंप्लीफाई करना होगा, पूरा इंटू करना होगा। इस तीनों को माइनस वन से कर लिया, 2x इंटू वन, 2x इंटू x, 2x इंटू एक्स स्क्वायर, इस तीनों को वन से कर लिया मैंने, 2x इंटू वन, 2x स्क्वायर, 2x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या क्या कैंसल हुआ, माइनस एक्स, 2x, 2x क्यूब, बचा क्या, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये भी माइनस
माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा बचा। इट मींस हमारा क्रिटिकल पॉइंट अब आसानी से आ सकता है। मैं लिख सकती हूं फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। एक्स की दो वैल्यू आ चुकी है, एक्स का दो क्रिटिकल पॉइंट आ चुका, एक्स की वैल्यू प्लस वन आ चुकी और माइनस वन आ चुकी। यहां से दो दो क्रिटिकल पॉइंट आ चुका। अब इन दोनों में किस पर मैक्सिमा या मिनिमा आकर करेगा, उसके लिए हमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट ही करना होगा। मैं करके दिखाती हूं। डबल डैश एक्स, टू को बाहर निकाल देती हूं, भी कॉपी यू डिफरेंशिएट माइनस यू कॉपी भी डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर का 2x इंटू इस बंडल का x का 1, एक्स स्क्वायर का 2x डिवाइडेड बाई इसका होल स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यह हो गया पावर 4। अब इस क्रिटिकल पॉइंट में एक बार प्लस 1 और एक बार माइनस 1, माइनस 1 करके दिखाती हूं। 1 माइनस 1 जीरो, 1 इंटू माइनस 2, 1 माइनस 1 ये पूरा टर्म जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, 1 का पावर 4। माइनस 2 माइनस 0, ये माइनस 4 आ गया, नेगेटिव आ गया, मैक्सिमा आकर आ गया, यानी एट एक्स इक्वल टू माइनस 1 लोकल मैक्सिमा आकर। मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे मिनिमा चाहिए। इट मींस एक दूसरा वाला है उसी से आएगा। 2 वन जा 2, एक एक एक, तीन का स्क्वायर 9, एक माइनस एक जीरो, एक एक एक, तीन का पावर 4 81, 2 बाई 9 पॉजिटिव। इट मींस एट एक्स इक्वल टू 1 मिनिमा अकर। अब मिनिमा तो अकर कर गया, हमें लिखना होगा, इसलिए मिनिमम वैल्यू आएगी इसी फंक्शन में, x के जगह 1 डाल देंगे, 1 माइनस 1 प्लस ऐसा, 1 प्लस ऐसा, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 1, ये मेरा कंप्लीट आंसर हो गया। यही हमारा कंप्लीट आंसर हो गया 1/3। अब आप बच्चे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 1/3 क्या कोई ऑप्शन है? तो मुझे लगता है कि डी ऑप्शन हमारा 1/3 है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्लियर हुआ? अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी। एक ही पैटर्न के दो क्वेश्चन है, एक मैं करवाऊंगी और एक आप करेंगे, तो तैयार हो जाइए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे से सीखने के लिए। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन एक अपाचे हेलीकॉप्टर का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मैं करवाऊंगी, समझते हैं। क्वेश्चन कहता है द पॉइंट ऑन द कर्व, ये कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, इस पर कोई पॉइंट लेना है।
अगर मैं x कोऑर्डिनेट x ले ली तो y कोऑर्डिनेट यहां से x स्क्वायर बाय 2 होगा, y की वैल्यू यहां से। द पॉइंट ऑन द कर्व, ये पॉइंट निकालना है, लेट एनी पॉइंट P x कॉमा y लाइंग ऑन कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 2y, मतलब y बराबर x स्क्वायर बाई 2, इसलिए P x कॉमा y बराबर P y के जगह ऐसा। अब विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0.5, ये P है, इसे मैं इस तरफ लिख लेती हूं, P x और x स्क्वायर बाय 2, विच इज नियरेस्ट टू A 0.5। मेरे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में इस दूरी को नियरेस्ट दिखाना है A कॉमा P, इस कर्व पर का वो पॉइंट जो इससे नियरेस्ट दूरी पर हो, मिनिमम दूरी पर हो, ये पॉइंट निकालना है इसमें, यही पूछा जा रहा है एक एक करके। क्योंकि दूरी नियरेस्ट है, यानी एफ एक्स हमारा इस ये डिस्टेंस है, इसी को मिनिमम दिखाना है, तो मैं एफ एक्स को मिनिमम डिस्टेंस मान लेती हूं। लेट एफ एक्स इक्वल टू डिस्टेंस एपी, एपी कैसे निकलेगा डिस्टेंस, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, यही तो मेरा डिस्टेंस एपी है। अब मैं क्या करूंगी, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैं लिखूंगी जब, अब रूट का निकालना थोड़ा मुश्किल है तो मैं इसका स्क्वायर कर लेती हूं, जब एपी स्क्वायर मिनिमम होगा तो एपी भी मिनिमम होगा। जब कभी, अभी आगे वर्ड प्रॉब्लम में मैं बहुत बार सिखाऊंगी, जब कभी मेरा एफ एक्स में रूट आएगा मैं उसका स्क्वायरिंग कर लूंगी ताकि कॉम्प्लिकेशन हट सके। और अब मैं एपी स्क्वायर को ही एफ एक्स मान लेती हूं, ये रूट को हटा दूंगी, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस फाइव का होल स्क्वायर, मेन काम हो गया। ये एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम का पार्ट है, वर्ड प्रॉब्लम हमें नेक्स्ट लेक्चर में लेना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूं, ये इंपॉर्टेंट है, वही पुराने स्टेप्स करते जाने हैं। एक्स स्क्वायर का 2x बंडल बना लिया, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू इस बंडल का 1 बाई टू कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर का 2x 5 का 0, ये कट गया हमारा। अब 2x कॉमन ले लूंगी, बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5, 2x 1 माइनस 5 ये माइनस 4 आएगा, एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस 8 बाई 2, यानी एफ डैश एक्स आ चुका ऐसा। अब मैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेती हूं, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए पुट एफ डैश एक्स बराबर 0, एक्स इंटू दिस वन बराबर 0, यहां से एक्स 0 और यहां से प्लस माइनस 2√2। अब हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, पॉइंट्स ही तो चाहिए, तीनों पॉइंट बारी बारी से मैं रख लूंगी, इसे ही मान लेती हूं 1, इसे यूजिंग वन तीनों पॉइंट, पी की वैल्यू एक्स के जगह 0, 0 का स्क्वायर बाई 2, एक्स के जगह प्लस 2√2, 2√2
का स्क्वायर 8/2 या फिर -2√2 का स्क्वायर। अब तीनों में आंसर कोई एक ही होगा, कोई एक ही आंसर होगा, तो क्या तीनों यहां ऑप्शन में है? 0√2/4 यानी ये तो रिजेक्ट हो गया, बच गया ये दो। अब इन दोनों में मिनिमम कौन सा होगा, इसके लिए हमें डबल डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा, यानी इससे मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे डबल डेरिवेटिव निकाल कर चेक करना होगा। एफ डबल डैश एक्स के लिए प्रोडक्ट रूल, या ऐसे यहां मैं डबल डैश कर लेती हूं, पहला कॉपी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8 कॉपी और इस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा। देख लेती हूं मैं, कॉर्नर दिख रहा बहुत अच्छे से दिख रहा। अब ये आ गया एफ डबल डैश एक्स 2x² प्लस x² बारी बारी से, एक बार 0 मान लीजिए, तो मैं ये तीनों को हटा ही देती हूं, मैं इस तीनों को, आप बच्चे इन तीनों को बारी बारी से पुट कर ले। एक बार मैं 0 पुट की -8 आया, एक बार मैं 2√2 पुट करूंगी पॉजिटिव आया, एक बार मैं -2√2 पुट करूंगी, 24 - 4 = 20, एक मिनट -8 है ना, 24 - 8 = 16, यानी नेगेटिव आया तब तो मैक्सिमा आकर इसको तो आप रिजेक्ट ही कर दो। मिनिमा के लिए हो गया एट एक्स इक्वल टू +-2√2 डिस्टेंस एपी इज नियरेस्ट। अब पॉइंट पी आ गया यूजिंग 1, पी एक बार एक्स के जगह 2√2 का स्क्वायर 8/2 और एक बार -2√2। अब मेरा करेक्ट आंसर यही हो गया। अब इसमें ऑप्शंस मैच करवाने हैं आपको, कौन सा ऑप्शन सही है। अब यहां से ये देखना है, तो पहला ऑप्शन है 2√2, 4 फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है ये नहीं, और इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं किया, एक ही ऑप्शन मैच किया। सेम इसी कॉन्सेप्ट का आज के लेक्चर का एक आखिरी क्वेश्चन, डिट्टो सेम। मैं डबल नहीं भी करवा सकती थी, उसे होमवर्क में भी दे सकती थी, लेकिन मैं करवाऊंगी क्योंकि वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मुझे तो आपको परफेक्ट बनाना है। तो आप बच्चे जरूर से जरूर सारे क्वेश्चन डेली अपडेट होकर बनाइए, पेंडिंग वर्क मत छोड़िए, आज का काम आज करिए। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। हम लोग यहां समझेंगे सेम कॉन्सेप्ट लास्ट क्वेश्चन, एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व, इस कर्व के अलोंग हेलीकॉप्टर अपने दुश्मन का दौड़ रहा है, और एक सैनिक है हमारा जो इस पॉइंट पर एक सैनिक बैठा हुआ है, वो वेट कर रहा है कि इस रास्ते, ये हेलीकॉप्टर यहां है, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, जब सबसे नजदीक आएगा तो ये राइफल ऐसे लगाए हुए है कि जब सबसे नजदीक आएगा तो शूट कर देगा ताकि उसका हेलीकॉप्टर उड़ जाए। तो मैंने मान लिया लेट एनी पॉइंट पी ऑन द कर्व y = x² + 7, कोई भी पॉइंट पी ऑन द कर्व, यहां तक हो गया।
इसको मान लेते हैं। पॉइंट पी हो गया वाई वाई के जगह एक्स स्क्वायर प्लस सेवन। तब सुन लो, कह रहा है कि हेलीकॉप्टर जब मिनिमम दूरी पे आएगा तो ये सूट कर देगा। तो डिस्टेंस को मिनिमम करना है। ए सोल्जर प्लेस्ड एट इतना वांट्स टू शूट डाउन, ये हेलीकॉप्टर को शूट करना चाहता है जब ये नियरेस्ट है, यानी दूरी को मिनिमम करना है। जब दूरी को मिनिमम करना है तो सबसे पहले डिस्टेंस एपी तो मैं निकाल दूं। डिस्टेंस एपी होगा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। इस वाई के जगह हम लिख सकेंगे एक्स स्क्वायर प्लस सेवन। एक्स स्क्वायर प्लस सेवन माइनस सेवन का होल स्क्वायर, यही डिस्टेंस है। दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर और दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर। मैं आपको क्या सिखाई थी, कभी भी रूट अंडर रहे तो स्क्वायर लिखते हैं, और एक लैंग्वेज यहां मेंशन करते हैं कि जब एपी स्क्वायर मिनिमम होगा यानी नियरेस्ट होगा तो एपी भी, तो डिस्टेंस एपी इज ऑल्सो मिनिमम। तो डिस्टेंस एपी भी मिनिमम होगा। जब एपी स्क्वायर मिनिमम होगा तभी डिस्टेंस एपी भी मिनिमम होगा। इसलिए एफ एक्स बराबर एपी स्क्वायर, और इसका मैं रूट अंडर ले ली। ये सेवन और सेवन कट गया, एक्स का पावर फोर। ये एफ एक्स है, मैं एफ डैश एक्स निकालती हूं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, एक्स की पावर फोर का फोर एक्स क्यूब। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, अगर क्रिटिकल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेती हूं। क्रिटिकल पॉइंट्स में पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो, टू इंटू दिस वन प्लस फोर एक्स क्यूब जीरो, फोर एक्स क्यूब प्लस टू एक्स माइनस सिक्स। टू हटा देती हूं। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, आपको याद है क्यूबिक इक्वेशन, हीट एंड ट्रायल मेथड। एक बार x के जगह जीरो, वन माइनस वन, टू माइनस टू, इस पांचों में बारी बारी से पुट करती हूं। जो इसको सेटिस्फाई करेगा एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। x के जगह जीरो, जीरो प्लस जीरो माइनस थ्री वन, टू प्लस वन माइनस थ्री आ गया। x इक्वल टू वन सेटिस्फाई किया, यानी एक फैक्टर तो पता चल गया। अब एक फैक्टर पता चल गया तो बाकी के लिए मैं डिवाइड कर लेती हूं। x को 2x क्यूब लाने के लिए 2x स्क्वायर से, ये माइनस 2x स्क्वायर हो गया। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, x के लिए 2x स्क्वायर लाने के लिए 2x स्क्वायर माइनस 2x, और ये प्लस 3 कर दिया। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए ये कभी जीरो नहीं होगा, नेवर जीरो। क्यों? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है। वो टर्म जिसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा है वो टर्म कभी भी जीरो नहीं हो सकेगा। इसलिए हमारा एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया एक्स इक्वल टू वन। अब तो हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मिनिमम बोला है और एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया। तो क्या पूछा था, फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस, यानी एपी निकालना है। फिर भी हमारा मन नहीं मान रहा, इसलिए मैं डबल डेरिवेटिव करके दिखा देती हूं। डबल डेरिवेटिव मतलब टू कॉन्स्टेंट, एक्स का वन, एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर। एक बार वन कर दूंगी, वन का स्क्वायर 12 प्लस 2 14 पॉजिटिव आ गया। इट मींस
एट एक्स इक्वल टू वन, क्योंकि ये पॉजिटिव आया तो मैं बोल सकती हूं डिस्टेंस ए पी इज नियरेस्ट। इसलिए नियरेस्ट डिस्टेंस ए पी बराबर, मैं नियरेस्ट डिस्टेंस ए पी लिख सकती हूं रूट अंडर एक्स के जगह वन डाल दूंगी और वन का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर फोर प्लस वन, और मिनिमम दूरी हमारी आ गई रूट अंडर फाइव। अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे बार बार रिवाइज करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पहले भी पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में भी एनडीए पूछ सकती है। क्या बोला था, एक सैनिक जो यहां प्लेस्ड है वो हेलीकॉप्टर को उस मोमेंट पर शूट करना चाहता है जब ये दूरी नियरेस्ट है। फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस, नियरेस्ट डिस्टेंस रूट फाइव है, उस समय शूट करना चाहता था जब डिस्टेंस नेगेटिव मिनिमम था, यानी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव था। बारी है होमवर्क की, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को लेकर कम से कम 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 सॉल्व एग्जाम्पल दिए मैंने, उससे पहले के सॉल्व एग्जाम्पल बने बनाए, मेथड एनसीईआरटी का मत देखिएगा, मेथड अपना वाला यूज करिएगा। और एक्सरसाइज के ये दो क्वेश्चन 27, 28 मिसलेनियस एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मैंने 5 से लेकर 6 क्वेश्चन दिए हैं, और आरएस अग्रवाल बुक से 11E के पहले का सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज 11E। अब केसी सिन्हा बुक हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए आगे के लेक्चर में मैं केसी सिन्हा से होमवर्क नहीं दे पाऊंगी। अगर आप में से किसी बच्चे के पास होगा तो आप मुझसे पीडीएफ भेज सकते हैं ताकि मैं देने लगूं। जिस बच्चे का मेरे पास था मैं टेंजेंट नॉर्मल तक स्कैन कर पाई थी, इसलिए वहीं तक वर्क दे पाई। आरडी शर्मा में 18.3 विथ सॉल्व एग्जाम्पल। एक बात याद रखिएगा, जो जागा सो पाया। अगर आप बच्चे मेरे साथ साथ वर्क करते हैं तभी आप जीत पाएंगे। आपको याद होगा कुछ अप्रैल से हमने क्लास 12th की क्लास स्टार्ट की, अपने वादे के मुताबिक आज अगस्त महीना चल रहा है, हमने कभी भी ब्रेक नहीं लिया, हमने जो शेड्यूल बनाया उसको जरूर फॉलो किया। आज का काम मैं आज की, अगर 11 बजे वीडियो आना है तो 11 बजे ही आएगा। आप बच्चे को भी यही रूटीन बनाना है, आज पढ़ना है तो आज ही पढ़ना, चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, हम कोई भी काम तब करेंगे जब आज पहले क्लास नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, ये होमवर्क बना लेंगे तभी हम करेंगे। अगर आप करंट में वर्क करते जाएंगे, लगातार मेहनत करते जाएंगे, तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। इस साल तो हमारे बच्चे 97 ही हाईएस्ट लाए, आप बच्चों को 100 लाना है क्योंकि आपको विनर बनना है, मुझे प्राउड करवाना है कि आप हमारे बच्चे हैं। थैंक यू।